वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का दूसरा दिन जहाँ पे मेरे बच्चे का बर्थडे चल रहा है, जन्मदिन है। आज जन्मदिन के अवसर पर मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे लड़का जो है 21 साल का हो गया है और वो सेकेंड ईयर बीकॉम कर रहा है। एक्चुअली आज उसकी एग्ज़ाम है और हर जगह एग्ज़ाम है, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर भी एग्ज़ाम चल रहा है। और हाफ डे हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, उसके बाद जो है करेक्शन के लिए बढ़ जाता है। इस हवाले जो भी हो रहा है स्कूल में मेरे स्टाफ के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो सारी चीज़ आपको बताती जाऊँगी, आप देखते जाइए। देखिए, आज बड़े होने की वजह से मैंने सोचा है कि रूह अफ़ज़ा शाबाश सर्व किया जाए मेरे कोलीगों के साथ, तो मैं कुछ लाई हूँ और उसको मिक्सअप करके आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या बना रहे हैं। तो शरबत दिया जाएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडा ठंडा होगा, अच्छा लगेगा, तो शरबत सर्व किया जाएगा। और बाकी और क्या ट्रीट होता है वो भी देखिए। पतीले में मैंने कुछ मिलाया है, इसमें सब्ज़ी की बिंदियाँ हैं और बादाम काजू और सब मिक्स कर दिया है, और इसमें सब कुछ मिला के शक्कर दूध सब मिला के रख दिया है। थोड़ा ठंडा था, ठंडा ठंडा ही इसे मिला के रखते हैं। ओके, इसको कहते हैं रूह अफ़ज़ा का शरबत, जो बहुत ही खास है और हर किसी का फेवरेट भी है। थोड़ा मैं इस तरह से पकड़ती हूँ तो शायद भूल गए, तो सारा मिक्स करके रख दिया है। और थोड़ी देर के बाद यानी दोपहर के वक्त में इसको सर्व किया जाएगा। ऐसा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब मेरी मेहनत है और यहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये देखिए क्या है। अच्छा, तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, दिखाते हैं हमने क्या किया। सिर्फ बिरयानी बनाया है घर पे, सिर्फ बिरयानी नहीं, बिरयानी ही बनाया है। ये देखिए किचन ही है माँ। ओके, बिरयानी, वाह वाह, आह क्या खुशबू आ रही है, खुद की तारीफ खुद के मुंह से। ठीक है, सब खाने के टाइम पे हम पूछ लेंगे। अम्मी कैसी है बिरयानी? अच्छी है, मजी है। आज पहली बार खा रहे हैं अम्मी, इतने दिन के बाद, 2 महीने हो गए ना ऑपरेशन होके। थोड़ा खा लो अल्लाह बस जी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा ही खा रहे हैं ना। एक दावत है अभी बर्थडे का और बर्थडे बॉय फोन पे लगा हुआ है, दस्तरखान भेज चुका है। मेरी बेटी शॉर्ट्स के वीडियोस कर रही है, बिजी है, इसको खाना नहीं खाना है अभी, भूख लग रही है सभी को पर इसे नहीं लग रही है ना फ्रेंड। देखो सारा केक खत्म हो गया, बस इतना ही रह गया है, अब ये भी ख़त्म हो ही जाएगा दूसरे पर। माय यूट्यूब फैमिली, अब इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ, बर्थडे का साला सेलिब्रेशन था सवेरे से और काफ़ी बिजी रही। पर मैंने एक गलती कर दी, जो मैं स्टाफ में दिया गया था समोसा और शरबत वगैरह, मैं शूट ही नहीं कर पाई, कैसे भूल गई मैं यार, कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग वक्त पे हो रही थी, तो पूरी तरह से मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो इसके लिए क्षमा है। तो अगली बार याद रखूँगी कि मैं भूल ना जाऊँ। और आजकल एक हफ्ता मैंने वीडियो भी नहीं किया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूल में और बच्चे काफ़ी पढ़ाई में व्यस्त हैं, और मेरे लिए जो एडिटिंग का काम करती है मेरी बेटी, वो भी बिजी है, उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब कौन करेगा मेरा काम। जब तक वो फ्री नहीं होगी तो मैं नहीं बना पाऊँगी, इसलिए देर हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगली बार से ध्यान रखूंगी कि आपको जो भी वीडियोस हैं, चाहे शॉर्ट्स के हों या व्लॉग के, वो अपडेट करती रहूंगी। तो फिर मिलते हैं हमारे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खैरियत से रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा प्रार्थना कीजिए कि इसी तरह हम मिलते रहे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।